ये है हमारा बाहुबली आज का। ओ हो भाई, ये हाथ रुकेगा नहीं, हाथ नहीं रुकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चाय की ही दुकान है एक। और ये मलाई देख रहे, ये गाढ़ा कर देगी इसको, गाढ़ा। नाश्ता तैयार है। ये है वो जिसके अंदर चाय पत्ती उबलता है, 50% रिड्यूस कर देते हैं। ये है वो गाढ़ा डोर, एकदम थिक। देख टाइमर्स लगा रखे हैं। तो भैया जी, ब्रेकफास्ट का टाइम है और आ गए हैं हम लकड़ी का पुल। लकड़ी का पुल अगर आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपको शायद पता होगा कि हैदराबाद की शान नीलूफर कैफ़े, नीलूफर की चाय, तो वही लेने के लिए आए हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि 1978 में ये बना था, और एक वेटर था जिसका नाम था ए बाबूराव। जी हाँ, तो जब किसी ने ये खोला था 1978 में, तो 2 साल के बाद ये कैफ़े बंद करने वाला था, तो उस वेटर ने इसको टेक ओवर किया और आज तक वो चल रहा है कैफ़े आपके सामने। और ना कि सिर्फ ये एक, इसके अलावा भी इनकी एक दो ब्रांचेस और है। बेकरी से लेके चाय तक, केक्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़ यहाँ फ्रेश बनती है, खुद बनाते हैं। और 365 डेज डोनेशन चलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जिसके पास पैसा नहीं होता, ए बाबू राव जो है वो उनको फ्री में खाना खिलाता है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं इनकी ईरानी चाय, और कुछ चीज़ें ट्राई भी करते हैं। चलिए, तो ये देखो भाई, ये दूध उबल रहा है क्योंकि ईरानी चाय बननी है भाई कैफ़े नीलूफर की। तो ये दूध देखा, ये फर्स्ट बैच है, उसके बाद यहाँ आता है, फिर उसके बाद यहाँ आता है। ये देख सकते हो आप कि इतना गर्म है ये। और ये मलाई देख रहे, ये गाढ़ा कर देगी इसको, गाढ़ा, ये और गाढ़ा कर देगी। ये समझ लो, ये लगा लो कि अगर आप ये इसमें 50 लीटर उबाल रहे हो ना, तो ये रिड्यूस करके कम से कम आधा ले आते हो, भले 25 लीटर ले आओगे, तो दूध इतना गाढ़ा हो जाता है जिससे बनती है ईरानी चाय। और ये आप देख सकते हो, ये है वो जिसके अंदर चाय पत्ती उबलता है। ये चाय पत्ती कितना देर उबलता है इसके अंदर? 35 मिनट। टाइमर देख टाइमर्स लगा रखे हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो है वो एक जैसा रहना चाहिए हर बैच का, तो इसीलिए टाइमर सेट कर रखे हैं। तो आप एक बार दिखाओगे इसे खोल के ऊपर ढक्कन? इसका देख, ये है जो अंदर उबल रहा है ना, ब्लैक टी। तो इसके बाद इसके अंदर मिक्स किया जाता है दूध, और ये इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये देख सकते हो अंडा, ये देख, ये यहाँ से निकलता है, और ये एनर्जी इनका गाढ़ा दूध, जो मैंने बताया था ना कि 50% रिड्यूस कर देते हैं, ये है वो गाढ़ा दूध, एकदम थिक। तो अब ये बनाते हैं कुछ चाय और आपको दिखाते हैं कि चाय कैसे बनती है। तो ये देख भाई, ये बन रही है चाय। कितने कप बन रही है? एक कप। ये पैक हो गया। तो स्विगी जोमेटो पे भी हो? दोनों पे? दोनों में। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो स्विगी और जोमेटो पे भी है। कहाँ पर है? लकड़ी के पुल कैफे नीलूफर। और अगर आप आ नहीं सकते हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप आके सुबह सुबह ठंडे मौसम में इंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट। अगर फिर भी नहीं आ सकते हो, अगर आसपास ऑफिस है, तो आप 8 किलोमीटर के दायरे पे ये मंगा सकते हो। ये देखो भाई, इधर आ जा, मेरी तरफ आ जा। ये हाथ रुकेगा नहीं, हाथ नहीं रुकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चाय की ही दुकान है एक्चुअली, जो इतनी फेमस हो चुकी है। चाय और बेकरी, बेकरी का भी जितने भी आइटम आपको यहाँ मिलेंगे ना, बन हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें ये लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही बनाते हैं। इनकी अपनी बेकरी है, अरे यहाँ नहीं है, कहीं और इनका गोडाउन है, वहाँ पर ये बनाते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं डेली बेसिस पे। कराकर भाई, ये देख भाई, दोबारा से ऑर्डर आ गया। और ये दिखाता हूँ पैकिंग कैसे करते हैं। ये देख, यहाँ आ जा, ये उठाया और ये रबड़ लगाएगा, पट 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 खत्म। तो ये हाथ रुकेगा नहीं जैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा भैया, चाय का डिमांड बहुत है यहाँ पर। और एक चाय की कॉस्ट बताता हूँ आपको, एक चाय जो फुल चाय आती है इनकी 15 रुपये की आती है, स्पेशल चाय जो है वो 25 रुपये है। स्पेशल चाय में क्या होता है और उसमें क्या होता है? उसमें दूध ज़्यादा आता है। अच्छा, दूध ज़्यादा वाली चाय जो है वो 25 रुपये है, जो नॉर्मल चाय है यहाँ पे वो है आपकी 15 रुपये। और कॉफ़ी भी मिलती है 25 रुपये की, और शुगर फ्री, अगर शुगर फ्री चाय चाहिए वो भी 25 रुपये की है। तो ये देखो भैया, अलार्म बज चुका है। अलार्म बजने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ब्लैक टी डालना है। ये देख, ये उठाया और पीछे हो जा, यहाँ पे डालेगा तेरे सामने। ये देख भाई, ये है हमारा बाहुबली आज का। ओ हो भाई,
बहुत बढ़िया। तो ये कपड़ा जो है ना, इस ये कपड़े से छान के सिर्फ नीचे लिक्विड जाएगा और ऊपर पत्ती ऊपर रह जाएगा। क्या बात है, बहुत भारी है ये, इतना देर तो भाई नहीं रह सकता। तो पीछे आके दिखा पूरा बर्तन, ये हो गया जी डन। अभी और है अभी और। ये देखो भाई आखिरी। तो अब बनवाते हैं अपनी चाय और चलते हैं बाहर और टेस्ट करके बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है। तो ये देखिए जनाब, हैदराबाद का ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है और कहाँ पर आए हैं, कैफ़े नीलूफर, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी ईरानी चाय के लिए। आप देखोगे मेरे पास क्या है, उस्मानिया बिस्किट है, फ़ैन है इनके, ये नान खटाई बिस्किट है, ये मीठे बिस्किट्स है, और ये है जी चाय के साथ जो लोग लुफ्त उठाते हैं, क्या बन मस्का। जी हाँ, तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ ज़रा बन मस्का से। बटर की क्वांटिटी देख रहा है, ये देख बटर की क्वांटिटी इज़ गुड। खास बात क्या है कि ये बन, जितने भी बन है बेकरीज, ये जितना भी आइटम है ना, ये सब ये लोग खुद बनाते हैं। और ये रही भाई चाय की चुस्की। ओहो भाई, मतलब भाई सुपर गुड है। आप कभी भी हैदराबाद आए ना, तो लकड़ी का पुल से जो कैफे नीलूफर है ट्राई करना बनता है बस। और दिस वन इज़ उस्मानिया बिस्किट। ओ बहुत सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हो कि लोग आराम से बैठे हैं, सबके सब चाय पीने के लिए आए हैं, नाश्ता करने के लिए आए हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अगर मैं शॉप की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 3:30 बजे ओपन हो जाती है और अगले दिन सुबह 1 बजे तक चलता है। ये लो जी चाय पियो, नाश्ता तैयार है, तो फिर वेट किस बात की है। एंड दिस वन इज बन मस्का। अरे इसका बन मीठा है, बन मीठा है, वो मस्का रहता है ना, वो स्वीट है, मलाई जैसे, वो स्वीट के लिए ही खाते लोग इधर। भाई वाकई में अगर हैदराबाद आओ ना तो ईरानी चाय तो भाई बनता ही है, कि मतलब ट्राई करना बनता है। और कैफे नीलूफर का बहुत ही फेमस है। जी नान खटाई बिस्किट, बहुत बढ़िया। फ्रूट बिस्किट भी फेमस है। कौन सा ये फ्रूट बिस्किट? फ्रूट बिस्किट आप खा रहे हो सब लोग? अरे मुझे बन मस्का बहुत बढ़िया, बन मस्का तो भाई मतलब सुपर गुड है। हम इसे ख़त्म करते हैं। आप प्लान बनाओ, जब भी आप हैदराबाद आओ तो कैफ़े नीलूफर जो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको आना बनता ही है बस, और ये चीज़ें ट्राई करना ब्रेकफास्ट में, स्पेशली सुबह सुबह 6-7 बजे के करीब आराम से निकल के आना, वो ट्राई करो। अगर आप हैदराबाद ही रहते हो और बहुत दिनों से आप आए नहीं यहाँ पे, तो फिर प्लान करो जल्दी से, अपने दोस्तों को टैग करो और उनके साथ शेयर करो। और कोई मेमोरीज अगर आपकी है कैफे नीलूफर के साथ जुड़ी हुई, तो नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर करना।